हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड एलटी मैथ्स के विषय में बात करने वाले हैं। किस प्रकार का पेपर आएगा, कितने नंबर का मैथ्स आएगा, कितने नंबर का फिजिक्स आएगा और कितने नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, इसके विषय में हम जानकारी देंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ लास्ट ईयर के जो मैथ्स के पेपर थे, मैथ्स सब्जेक्ट के जो पेपर थे, उनमें फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आए थे, उन सब का सोल्यूशन हम देखेंगे। पहली वीडियो में हम 2020 के फिजिक्स के आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और इससे आपको कोई लाभ होता है तो आप अपने साथियों के साथ या जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर भेजें। और आगे की वीडियो, अगर आपको इससे लाभ होता है तो आगे की वीडियो बनाने के लिए अवश्य ही कमेंट में लिखें। जो हमारा मैथ्स का पेपर आएगा उसमें 30 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा और 70 नंबर का मैथ प्लस फिजिक्स होगा, जिसमें मैथ्स जो होगा 49 नंबर्स का होगा और जो फिजिक्स आएगा वो 21 मार्क्स का होगा। इसके बाद मैथ्स होगा, ये 49 भी आपके डिवाइड है। इंटर लेवल की अगर बात करें तो वो 20 मार्क्स का आएगा और फिजिक्स की बात करें इंटर लेवल के, वो 8 मार्क्स का आएगा। और इसी के साथ ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो मैथ्स आपका 29 मार्क्स का और फिजिक्स 13 मार्क्स की आएगी। तो 20 प्लस 29 49 और 13 और 8 21, तो ये इसका पैटर्न है, अर्थात 70 प्लस 30 में है और जो 70 नंबर आपके हैं वो 49 मैथ्स के हैं और 21 फिजिक्स के हैं। इंटर लेवल की बात करें तो इंटर लेवल में एनसीईआरटी की जो बुकें हैं 11th 12th की, उन बुक से इस सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन लेवल में जो आपने ग्रेजुएशन में बुक्स पढ़ी हैं, इसका डिटेल्स कौन कौन सी बुक हैं वो मैं किसी एक वीडियो में बता दूंगा, और वैसे भी आपके पास सिलेबस जरूर होगा तो उनमें से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी हम किसी एक वीडियो में बता देंगे। तो फिलहाल हम आज की जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस एलटी 2020 के पेपर से। एलटी 2020 का जो पेपर आया था उसके कितने क्वेश्चन थे और उनके सॉल्यूशन क्या है, उनके आंसर क्या है, वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो को जरूर आप अपने मित्रों तक जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं या इस वर्ष करेंगे उनके पास आप जरूर भेजें। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें 2020 के एलटी पेपर में से, जो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन था वो था, यदि दो तरंगों के मध्य पथांतर लैम्डा बाई एट है तो उसके बीच कलांतर कितना होगा। इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज लैम्डा बाई एट, व्हाट विल बी देयर फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस आपको बताना है। अगर आप फेज डिफरेंस की बात करें जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2π अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस आपको दिया हुआ है लैम्डा बाई एट। सॉल्व करेंगे तो π/4। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जिसका आंसर है π/4 अर्थात डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। यदि किसी बर्तन में बंद गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग अर्थात VRMS दोगुना कर दिया जाए तो दाब हो जाएगा। आपको अगर VRMS को दोगुना कर दिया जाए तो दाब कितना होगा आपको ये बताना है। तो प्रेशर और VRMS में क्या रिलेशन होता है वो देख लेंगे। क्वेश्चन अगर इंग्लिश में देखें, इफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अर्थात VRMS ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज इन ए वेसल हैज डबल्ड, यानी कि VRMS को डबल कर दिया जाता है, देन द प्रेशर विल बी। क्योंकि आप जानते हैं जो प्रेशर होता है टू बाई थ्री
इनटू काइनेटिक एनर्जी, और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 रो वी आर एम एस स्क्वायर। यहां से अगर आप देखें जो पी है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है वी आर एम एस होल स्क्वायर, और यहां से आप देखते ही बता देंगे अगर वी आर एम एस को डबल करते हैं तो प्रेशर जो होगा आपका 4 times होगा, क्योंकि स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4 times अर्थात 4 times। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। एक कण क्षैतिज से 60 degrees कोण पर गतिज ऊर्जा के है प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब उसे फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इनमें से कितनी होगी, स्टार्टिंग में उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है k। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 60 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी के, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट वुड बी, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। आप देख जानते हैं अगर कोई प्रोजेक्टाइल है, यहां से इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं अगर इसका वेलोसिटी मैं यू मान लूं, यहां पर इसका वेलोसिटी यहां पर यू है, तो ये यू जो वेलोसिटी होगा तो इसकी यहां पर काइनेटिक एनर्जी के जो होगी 1/2 mu² होगी, और जो यू होता है 2 components में डिवाइड होता है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें हम यू इज इक्वल टू यू एक्स आई प्लस यू वाई जे, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट पर अगर देखें तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर इसकी बात करें इसे हम यू एक्स लिख सकते हैं, सॉरी यू वाई, और इसे यू एक्स। अगर यू एक्स की बात करें तो जो यू एक्स होता है वो होता है यू साइन, सॉरी यू कॉस थीटा, और यू वाई यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का यू साइन थीटा होता है। तो होता क्या है कि जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है यहां से ऊपर जाते जाते टॉप पर ये घटता जाता है, और पूरी प्रोजेक्टाइल के दौरान जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम रहता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट टॉप तक पर जाते जाते ये कम होता चलता है अर्थात परिवर्तित होता रहता है। तो उसने पूछा है टॉप पर काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। अगर मैं टॉप पर बात करूं तो केवल यहां पर मेरे पास यू कॉस थीटा है, और थीटा आपको 60 degrees दिया था तो आप थीटा 60 अप्लाई कर सकते हो। अगर इस टॉप पर काइनेटिक एनर्जी देखूं तो के टॉप पर देख लेते हैं हम 1/2 m वो मास है उसका, और यहां पर वेलोसिटी कितनी है यू कॉस थीटा, यू कॉस मैं यहां पर 60 degrees लिख देता हूं क्योंकि 60 गिवन है, तो 1/2 m u² कॉस स्क्वायर 60, तो ये हो जाएगा आपका k और कॉस स्क्वायर 60। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 अर्थात 1/2 का स्क्वायर k इंटू 1/2 होल स्क्वायर, या हम कह सकते हैं k/4। तो जो टॉप है हाईएस्ट पॉइंट है उस पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी k/4 या k/4, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा बी आंसर होगा k/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है घटती है शून्य रहती है या नियत, इन अ साइकिल साइक्लिक प्रोसेस ऑफ द गैस द इंटरनल एनर्जी। क्योंकि आप जो जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन क्या वो डिपेंड नहीं करता उसके पथ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो चक्रीय प्रक्रम में क्या रहती है नियत रहती है या फिर कांस्टेंट रहती है, तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। जब आप फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं
थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहां से आप ये आसानी से समझ सकते, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जैसे ही विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है, या फिर एज सोन एज वी मूव द इक्वेटर टू द पोल्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज और जीरो। आप जानते हो जो जी होता है, जी बराबर जी, अगर मैं अर्थ पर बात करूं तो एम ई अपोन आर ई स्क्वायर, अर्थ की बात करें तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ये होता है जी इज इक्वल टू जी एम ई अपोन आर ई स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं जी प्रोपोर्शनल जो है रेडियस के है आर ई स्क्वायर के साथ में। तो अब हमें ये बताना है कि अगर हम विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी कि इक्वेटर से अगर पोल की ओर जाते हैं, तो जी में क्या चेंज आता है। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर आपका ये क्या है, आपका इस पॉइंट पर आपका इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, और ये आपका यहां पर क्या है, पोल। इक्वेटर से अगर पोल पर जा रहे हो, देखो इक्वेटर पर जो होती है रेडियस जो होती है वो ज्यादा होती है, और पोल पर रेडियस कम होती है। अगर रेडियस कम है पोल पर तो जी का वैल्यू जो होगा बढ़ेगा। तो इसका मतलब है जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, यानी कि विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो हमारे जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इसलिए इसका आंसर ए सही होगा, बढ़ता है यानी कि इंक्रीज होता है। ये यहां से आप आसानी से समझते हैं जी प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि पोल पर रेडियस कम है तो इसलिए जी का वैल्यू ज्यादा होगा, और इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है तो पोल का जी का वैल्यू जो होगा कम होगा। तो इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर जी का वैल्यू बढ़ेगा। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक समान चाल v से घूम रहा है, यदि गुरुत्वीय बल अचानक समाप्त हो जाए तो उपग्रह मूल कक्षा में चाल से गति करता रहेगा, लगातार बढ़ती चाल से नीचे की ओर गिरेगा, मूल कक्षा की स्पर्श रेखीय दिशा में चाल से गति करेगा, मूल कक्षा में किसी स्थान पर अंततः रुक जाएगा। ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी इफ ग्रेविटेशनल पुल सडनली डिसअपीयर, ग्रेविटेशनल पुल को हम डिसअपीयर कर देते हैं, द सैटेलाइट विल बी कंटिन्यू टू मूव विद स्पीड अलोंग द ओरिजिन ऑर्बिट, फॉल डाउनवर्ड विद इंक्रीज स्पीड, मूव विद स्पीड्स एंड टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट, अल्टीमेटली कम टू रेस्ट सम वेयर ऑन ऑर्बिट ओरिजिनल ऑन ओरिजिनल ऑर्बिट, वेयर ऑन अलग है ये ऑन ओरिजिनल ऑर्बिट। तो इसके लिए आप इसमें ये कहा है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है उसे अगर हटा दिया जाए तब के केस में पूछा है। देखो अगर आप ध्यान से देखें, ये अर्थ है, ये कोई सैटेलाइट है और ये वी वेलोसिटी से टेंजेंशियली मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से वी स्पीड से टेंजेंशियली मूव कर रहा है। तो उसने कहा है कि अगर इससे ग्रेविटेशनल पुल को हटा दें, आप जानते हो जो इस पर आपका अभिकेंद्र बल होगा, अर्थात अभिकेंद्र बल यानी कि जो सेंटर की ओर फोर्स लगता है, ये सेंट्रल पिटल फोर्स, वो किससे मिलेगा आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी कि एफ सी सेंट्रल पिटल फोर्स मिलेगा आपको एफ जी से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। और उसने कहा है कि एफ जी को अगर हम जीरो कर दें, एफ सी अगर जीरो कर दें तो एफ सी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब है जो सेंट्रल पिटल फोर्स है वो क्या हो जा रहा है आपका, जीरो हो जा रहा है, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है। अगर एफ सी जीरो है तो इसका मतलब है जो वी है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोशन का, कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, और अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा, अर्थात उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी अगर एफ सी जीरो है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो फर्स्ट लॉ से हम यहां से ये समझ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूल कक्षा में जहां से वो घूम रहा था, जहां वो घूम रहा था उसी कक्षा में स्पर्श रेखीय
टेंजेंशियली तो लग रहा है, दिशा में चाल से गति करता रहेगा, यानी कि मूव विद स्पीड्स एंड टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा था उसी ऑर्बिट में वो कॉन्स्टेंट स्पीड से घूमता रहेगा, यानी कि वी कॉन्स्टेंट है। तो यहां से हम इसका आंसर सी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सरल दोलक के लिए विस्थापन के किस मान पर गतिज और स्थिति ऊर्जाओं के मान आधे होंगे, यानी कि आधे किसके होंगे, कुल ऊर्जा के आधे होंगे, या फिर आप ऐसा समझते हैं जब एट वाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट द एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज हाफ ऑफ काइनेटिक एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप चूंकि आप जानते हो जब हम SHM पढ़ते हैं तो SHM में हम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं 1/2m ω² x² और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला पढ़ते हैं 1/2m ω² a² - x² और जो टोटल एनर्जी होती है कुल ऊर्जा होती है वो E अगर मैं लिख लूं तो E का फॉर्मूला होता है 1/2m ω² a² a इसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड आप समझते होंगे, उसने कहा कि जो K है और U है वो दोनों आधे होंगे, यानी कि जो K होगा वो हाफ होगा E का, या 1/2m ω² x² = 1/2 × 1/2m ω² और a² यहां से ये कैंसिल करेंगे तो x² = आ जाएगा आपका 1/2 a² या x = ± a/√2 ये निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने k बराबर 1/2 e किया है, अगर मैं इसी प्रकार से u से भी निकालना चाहूं तो u का वैल्यू लिखें 1/2 e, और जब यहां पर u यूज करेंगे एक 1/2m ω² a² - x² = ये 1/2 × 1/2m ω² a² ये कैंसिल होगा तो a² - x² = a² और 1/2, ये a इधर आएगा a² / 2, ये फिर वही बचेगा, तो इसके बाद फिर यही कैलकुलेशन होगी। तो दोनों से वैल्यू जो आपका x का आ रहा है a/√2 आ रहा है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ±a/√2 होगा। इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हो, जब आप टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो कुछ इस प्रकार का बनता है, यानी कि टोटल एनर्जी वो है कांस्टेंट रहती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है। अब उसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी यहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, क्योंकि इसकी अगर यहां बात करें ये जो है ये इसकी टोटल एनर्जी है ई, अगर ई की बात करें टोटल एनर्जी है, और यहां पर जो यू होगा यानी कि के होगा वो 1/2 e होगा, और अगर यू की बात करें यू भी 1/2 e होगा, यानी कि यहां पर इस वाली लाइन पर यहां पर। अब उसने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा हाफ के लिए। अब डिस्प्लेसमेंट अर्थात ये पूछा है आपसे ये वैल्यू, आप यहां पर देख पा रहे हैं अगर ये होता मिड में तो a/2 लिखते, लेकिन ये मिड यहां होता, मिड का मिड है तो अर्थात a/√2 इधर माइनस में होगा, और यहां पर क्या होगा ये डिस्टेंस जो होती है -a + a/√2। आप समझ पा रहे होंगे यहां से a/√2 a/√2, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ±a/√2 होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका ±a/√2 होगा, जहां पर जो आपकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो ग्राफ अगर आपने समझा हुआ है तो आप इसे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, आप आसानी से इसे बता सकते थे, तो इसलिए इसका आंसर a/√2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज, तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल है उसे हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो संपीडियता। तो ये आपको एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, और डायरेक्ट याद करता है कक्षा 11 की क्लास में ही आपको मिल जाता है।
जूल केल्विन प्रसार में कौन सी राशि स्थिर रहती है? जूल केल्विन प्रसार, देखो जूल केल्विन प्रसार को हम जूल थॉमसन प्रसार भी कहते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट भी बोलते हैं। इफेक्ट जूल थॉमसन इफेक्ट भी कहते हैं इसे। तो इसमें इसने पूछा है कि कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी या वर्क। जो जूल केल्विन प्रसार है उस वो होता क्या है, या जूल थॉमसन इफेक्ट होता क्या है? ये होता क्या है कि यदि किसी गैस को हम स्थिर ताप पर यानी कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर एक पोरस प्लग से गुजारे, सरंध्र से गुजारे और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भेजें, तो उसका जो ताप होता है वो चेंज हो जाता है और इसी चेंज होने को ही हमने क्या हम क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट। तो जूल थॉमसन इफेक्ट में जो होता है वो आपकी एंथैल्पी या एंथैल्पी कॉन्स्टेंट रहती है, तो ये आप याद रख सकते हैं, एंथैल्पी कॉन्स्टेंट रहती है। और एक बात और याद रखें, जूल थॉमसन गुणांक जो आइडल गैसेस होती हैं उनके लिए क्या होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट या गुणांक वो जीरो होता है आइडल गैसेस के लिए। तो आइडल गैसेस के लिए जूल थॉमसन गुणांक जो होता है जीरो होता है, या जूल थॉमसन जो कॉन्स्टेंट है वो जीरो होता है। और जूल केल्विन प्रसार या जूल थॉमसन इफेक्ट में आपकी एंथैल्पी क्या रहती है, शून्य रहती है। और जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है कि जब हम किसी गैस को स्थिर ताप पर यानी कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर किसी पोरस प्लग से गुजारते हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भेजते हैं, तो उसके ताप में कुछ परिवर्तन हो जाता है। इस जो ये इफेक्ट हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका एंथैल्पी होगा। केवल मुक्त आवेशों पर निर्भर करने वाली राशि है, केवल मुक्त आवेशों पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन ओनली फ्री चार्जेस। फ्री चार्जेस पर कौन सी, इन सब में से कौन सी राशि डिपेंड करती है? तो फ्री चार्ज पर जो डिपेंड करती है वो आपका ध्रुवण है, पोलराइजेशन। तो आप ये बेसिक है, कक्षा 12 में है ये, मतलब ये क्वेश्चन आप आसानी से, इसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की निम्न में से किस विशेषता के द्वारा चालक में विद्युत धारा ज्ञात की जाती है या विद्युत धारा बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर। तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये हम जानते हैं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण होता है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, अनुगमन वेग या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.25 ओम है से कितनी अधिकतम शक्ति ली जा सकती है, इससे अधिकतम शक्ति कितनी ले जा सकती है? 12 वोल्ट की बैटरी है और आंतरिक प्रतिरोध 0.25 है। देखो अगर हम शक्ति की बात करें तो P जो होता है वो होता है P is equal to I square R, और यदि हम I का वैल्यू देखें तो I का वैल्यू जो होगा वो होगा E अपॉन एक सेल के लिए R प्लस R P, ये हो जाएगा E स्क्वायर R अपॉन में R प्लस R का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें P मैक्स निकालना है। तो इस R स्क्वायर को मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं, E स्क्वायर R अपॉन R माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 4RR। अगर इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ये बिल्कुल बेसिक सा मैथमेटिक्स है। अगर R प्लस R का होल स्क्वायर इक्वल टू R माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 4RR। अब ये ऐसा इसलिए क्या है, क्योंकि P मैक्स के लिए 4P मैक्स, अगर हम मैक्सिमम करें, अगर मैथमेटिकल लगाएं तो इसमें हमें dP अपॉन dr या डिफरेंशिएशन करके इसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस होगा। लेकिन हम यहाँ सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, P मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाली क्वांटिटी मिनिमम होगी,
और मिनिमम ये कब होगी, जब आर माइनस आर जीरो होगा, तो यानी कि पी मैक्स जो होगा फोर पी मैक्स आर माइनस आर इजकल टू जीरो, इसका मतलब आर बराबर आर, यानी कि पी मैक्स के लिए आर बराबर आर होना चाहिए, यानी कि इंटरनल जो आपका रेसिस्टेंट है वो बाह्य रेसिस्टेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। तो आर बराबर आर, अगर आर ये जीरो हो जाएगा तो पी मैक्स कितना आएगा, पी मैक्स वो हो जाएगा आपका ई स्क्वायर आर अपॉन फोर आर आर, और फाइनल अगर हम इसे लिखें तो ई पी मैक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन फोर आर, और ई का जो वैल्यू है वो है 12 वोल्ट 12 इंटू 12 और 4 इंटू आर जो है 0.25, सॉल्व करेंगे 144 और अपॉन में 1, यानी कि पी मैक्स, जो पी मैक्स होगा 144 वाट होगा, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो आंसर डी 144 वाट। ये यहां पर अगर इस बात को ध्यान से आप समझें कि पी को मैक्स करने के लिए ये मिनिमम होना चाहिए, और ये मिनिमम कब होगा, जब आर माइनस आर जीरो के इक्वल होगा, ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो ये जीरो हो सकता है क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, तो आर माइनस आर इजकल टू जीरो अर्थात आर बराबर आर। तो ये बात भी याद रखें कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब बराबर होते हैं तभी पी मैक्सिमम होता है, तो इसलिए इसका आंसर 144 आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वे एफ टू फोकस दूरी के दो पतले समाक्षीय रूप में संपर्क में रखे, उनकी लेंस संयोजन क्षमता कितनी होगी। देखो ये कक्षा 12 से ही क्वेश्चन है कि दो लेंस है, ये ऐसे एक लेंस ये है और दूसरा लेंस भी यहीं पर ही है, इसके संपर्क में रखा है, समाक्षीय है मतलब एक अक्ष पर रखे हुए हैं। अगर इसकी फोकस दूरी एफ वन है, इसकी फोकस दूरी एफ टू है, तो जो ये दोनों मिलकर बनाते हैं ये एक लेंस कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर इसके कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी हम बात करें वो अगर कैपिटल एफ मान लें, तो वन अपॉन एफ जो होता है मतलब पूरे संयोजन की फोकस दूरी जो होती है वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू होती है। कक्षा 12 का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, तो उसने पूछा है कि लेंस संयोजन की क्षमता, क्योंकि वन अपॉन एफ इजकल टू होती है पी क्षमता फोकस दूरी, या जो फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका पावर कहलाता है, पी इजकल टू वन अपॉन एफ। तो पूरे संयोजन की क्षमता कितनी मान लो, पी मान लो, और ये हो जाएगा वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो पी इजकल टू एफ वन एफ टू और एफ वन प्लस एफ टू। तो यहां से आप देख पा रहे हैं एफ वन प्लस एफ टू अपॉन में एफ वन एफ टू, तो इसलिए इसका आंसर ए से ही है, एफ वन प्लस एफ टू अपॉन एफ वन प्लस एफ वन इंटू एफ टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवर्तन ग्रेटिंग है, यानी कि डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और डायरेक्ट याद ही करना है, तो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग जो होती है वो एन स्लिट डिफ्रेक्शन होता है, तो इसलिए इसका आंसर है एन स्लिट विवर्तन या एन स्लिट डिफ्रेक्शन। एक प्रिज्म की विवरण क्षमता निर्भर करती है, द रिजोल्विंग पावर ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड अपॉन, जो प्रिज्म की विभेदन क्षमता है, प्रिज्म की विभेदन क्षमता या रिजोल्विंग पावर जो होती है वो होती है आपकी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, इससे डिनोट करते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है बी डी म्यू अपॉन में डी लैम्डा। तो जो बी है वो आधार का व्यास होता है आपका, आधार की मोटाई होती है, जो बी होता है वो होती है आधार की मोटाई, और इसमें दूसरा क्या डिप होता है लैम्डा, तो इसलिए इसकी जो विभेदन क्षमता है वो आधार की मोटाई पर निर्भर करती है, लेकिन चूंकि लैम्डा भी है तो इसलिए इसका बी पर भी तरंग दैर्ध्य पे, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा ए एंड बी। लेकिन कई जगह मैंने इसका आंसर केवल ए देखा है, लेकिन आप इसमें मैं बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकता, वैसे मेरे हिसाब से ए और बी दोनों होना चाहिए, लेकिन फिर भी कई जगह पर मैंने इसका केवल एक ही आंसर देखा है प्रिज्म के आधार की मोटाई पर। लेकिन अब ये तरंग दैर्ध्य क्यों नहीं दे रहा है कई जगहों पर,
तो वो आप देख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने आंसर से, तो आप इसे अपने आप भी मतलब वेरीफाई करें, क्योंकि आप सब लगभग लगभग ग्रेजुएट हैं और एमएससी बीएड होंगे ही होंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पर थोड़ा मुझे संदेह है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित स्पेक्ट्रल लाइन की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम है, इसकी आवृत्ति एवं ऊर्जा क्या होगी। क्योंकि आपको तरंग दैर्ध्य दी हुई है और तरंग दैर्ध्य दी है तो आपको आवृत्ति और ऊर्जा ज्ञात करनी है। अगर मैं आवृत्ति की बात करूं पहले, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, और सी है हमारा 3×10^8, और जो लैम्डा है वो आपकी 4000 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि 4×10^-7 मीटर में हम लिखेंगे, तो 3/4 0.75 हो जाएगा, और × 10^15, तो ये तो आपकी हर्ट्ज होगी, तो 0.75 × 10^15। एक तो इस क्वेश्चन इस बी में और सी में आ रहा, ए और डी तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ऊर्जा अगर निकालने, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, और एच का जो वैल्यू है, अगर मैं एच का वैल्यू लिखूं 6.67 × 10^-34, और न्यू का वैल्यू आपने निकाला 0.75 आवृत्ति का 10^15, ये जूल में आंसर आएगा। और जूल में आंसर आएगा तो ये इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.67 0.75 की, तो ये आएगा 5.0025 × 10^-19 जूल में। अगर मैं इसे, क्योंकि जूल में वहां नहीं है, तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इसे चेंज करता हूं तो 1.6 × 10^-19 ये इससे कैंसिल होगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, और 1.6 से जब इससे इसे कैंसिल करेंगे तो ये जो आएगा, ये आएगा 3.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई जो आया है आपका वो आया है 3.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सी आंसर है ये। क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एक एएमयू बराबर होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक एएमयू कितने की मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है। अगर मैं एक एएमयू की बात करूं, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो कार्बन के जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, कार्बन के परमाणु का 6C12 के परमाणु का द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान होता है उसके 12वें भाग के बराबर होता है, मतलब 1/12 के। अगर कार्बन परमाणु का देखें तो वो होता है आपका 12/n, n अवोगाड्रो संख्या है, 1/12, इससे इसे कैंसिल करेंगे तो 1/n हो जाएगा, यानी कि 1 AMU, और n का वैल्यू रखें 1/, ये n का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.02 × 10^23। अब ये आंसर जो होगा ग्राम में होगा, ग्राम में। तो इसे कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट, आपको याद भी रखना चाहिए, एक AMU जो होता है 1.66 × 10^-24 ग्राम के इक्वल भी होता है, या फिर हम अगर केजी में लिखें तो 1.66 × 10^-27 केजी के भी इक्वल होता है। तो एक एएमयू केजी और ग्राम में अगर पूछता है तो ऐसा है, लेकिन उसने ऊर्जा पूछी है तो डेल्टा ई बराबर एम सी स्क्वायर, और डेल्टा एम सी, एम का वैल्यू रखें हम यहाँ पर, अगर ये 1.66 × 10^-27 और 3×10^8 का होल स्क्वायर, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका, अभी तो ये जूल में आएगा, और इसे सॉल्व करने के बाद अगर इसे मैं डिवाइड कर देता हूं 1.66 × 9 × 10^-16 × 10^16 / 1.6 × 10^-19, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब कन्वर्ट हो जाएगा ये आएगा 0.93
15 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मैं इसे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलता हूँ तो 931.5 × 10⁻³ यहाँ हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 12 बटाएंगे तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए एक एमयू जो बराबर होता है कितनी ऊर्जा के बराबर होता है, 931.5 एमईवी के इक्वल होता है। और अगर ग्राम में बात करें तो 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम के इक्वल होता है, केजी में −27। ये डायरेक्ट भी हमें याद रखने होते हैं, एक एमयू कितने ग्राम के इक्वल है, केजी के इक्वल है, और एक एमयू कितनी ऊर्जा होती है, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी ये क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इलेक्ट्रॉन की स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा क्या, अब देखो इलेक्ट्रॉन की स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा यानी कि व्हाट इज द रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी डायरेक्ट याद रखने वाला, जैसे हम इलेक्ट्रॉन का मास याद रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखते हैं, तो वैसे ही ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है वो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आप निकालना भी चाहें तो ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले एम ई, यहाँ पर एम ई है इलेक्ट्रॉन है, तो 9.1 × 10⁻³⁶ और सी का वैल्यू इंटू सी स्क्वायर, या इसे पूरे को अगर सॉल्व करना चाहें तो अगर सी, ये ए यू है एम यू, तो अब इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सी का वैल्यू रखें 1.6 से डिवाइड करें पीछे की तरह, या तो वैसा कर लें तब भी मिलियन इलेक्ट्रॉन पे आ जाएगा, या फिर आप इसे 9.1 × 10⁻³⁶ और 1 U × C² = 931.5 MeV के इक्वल होता है। आप ऐसे न्यूमेरिकल हम 12th क्लास में बहुत करते हैं, तो इसकी कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे, 931.5 MeV, और जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा सॉल्व होके आता है 0.51 MeV, या इसे उसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वैसे ही डायरेक्ट याद रखेंगे 0.51 MeV, और ये याद भी रखने चाहिए क्योंकि वहां इतना समय नहीं होता सॉल्व करने का, क्योंकि अगर ऐसे भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखने पड़ेंगे तो फिर तो शायद ना कर पाए हम क्वेश्चन सभी। एक न्यूक्लियॉन का औसत संवेग नाभिक के द्रव्यमान ए के साथ कैसे बदलता है, हाउ द मीन मोमेंटम ऑफ ए न्यूक्लियर वेरीज विद मास ए ऑफ ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के मास नंबर के साथ कैसे चेंज होता है औसत संवेग, मीन मोमेंटम। अब आप चूंकि ये तो जानते हैं, जो उसके जो आकार होता है, जो उसका रेडियस होता है, वो उसमें जो रिलेशन होता है आर नोड ए की पावर 1/3 होता है, और आर नोड का वैल्यू कितना होता है, 1.2 फर्मी होता है आर नोड का वैल्यू, ये कॉन्स्टेंट होता है, फर्मी कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, ये तो हम जानते हैं, ये बेसिक है। लेकिन उसने पूछा है हमारे से मीन मोमेंटम, अगर हम यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएं, यानी कि अनिश्चितता का सिद्धांत लगाएं हाइजेनबर्ग का, तो जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है वो डेल्टा पी इंटू डेल्टा, यानी कि डेल्टा एक्स भी लिखते हैं, मैं यहाँ पर आर लिख लेता हूँ, डेल्टा आर जो होता है वो इक्वल होता है एच अपॉन 4π के, या ग्रेटर देन इक्वल होता है, तो फिलहाल मैं इक्वल लेके चल रहा हूँ। अगर यहाँ से मैं डेल्टा पी निकालूं ये हो जाएगा एच अपॉन 4π डेल्टा आर, और अगर यहाँ से इस कांस्टेंट को छोड़ दूँ तो डेल्टा पी जो हो जाता है मेरा, यानी कि जो मीन मोमेंटम होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/ डेल्टा आर के। अभी हम इसे आर मान लें तो आर अगर यहाँ पर रखेंगे तो डेल्टा पी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3 के, यहाँ अपॉन है तो ए की पावर −1/3, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ए की पावर −1/3, यानी कि जो मीन मोमेंटम है वो ए की पावर −1/3 के अनुक्रमानुपाती, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा, तो इसलिए इसका आंसर बी है। बुलियन समीकरण वाई बराबर ए प्लस बी बार प्लस ए बी बार, या व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ बुलियन इक्वेशन, ये इनमें से कौन इसका हल है, इस हल को अगर हम देखें या इस इक्वेशन को देखें तो इसी को सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू, इसे मैं अगर यहां पर मैं डी मॉर्गन का यूज करूं तो a बार डॉट b बार
प्लस, और इसे मैं लिख सकता हूं ए बार प्लस बी बार। अभी नेक्स्ट लाइन में अगर ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार, इस पार्ट को अलग कर लिया जाए, प्लस बी, और जो ए डॉट बी प्लस ए बार है इसका जो वैल्यू होता है वो होता है ए बार प्लस इतने का वैल्यू है, और ये बचा मेरा बी बार। और इसमें डी मॉर्गन को फिर वापस अप्लाई करूं तो ए बार ए डॉट बी का बार, तो फाइनली ए डॉट बी का बार, इसका आंसर डी है। अगर इसे हम दूसरे तरीके से करना चाहें, या जो आपके ट्रुथ टेबल है अगर उससे करना चाहें, तो ट्रुथ टेबल से भी हम कर सकते हैं। मान लो हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी, और इसमें हमें हमें चाहिए क्या, एक चाहिए हमें ए प्लस बी का बार, एक चाहिए हमें ए बी का बार, और एक चाहिए हमें ए प्लस बी प्लस ए बी, ये यानी कि वाई वाई बराबर ये चाहिए, ये हमें इतने चाहिए। तो अभी हम इनपुट्स भरें, दोनों जीरो मान लें, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। अब अगर ए प्लस बी करें तो जीरो जीरो आपका होगा, जीरो 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 होगा, लेकिन बार भी है तो उल्टा कर दे रहे हैं हम इसे सीधा सीधा, तो जीरो जीरो यानी कि ये वन, ये आएगा आपका वन, ये हो जाएगा जीरो, ये आएगा वन, ये हो जाएगा जीरो, ये आएगा वन, ये हो जाएगा जीरो। अब डॉट करो, जीरो 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 अर्थात वन, और अगर जीरो वन जीरो यानी कि वन, और वन जीरो ये भी वन, और वन वन यानी कि ये वन होगा तो ये जीरो हो जाएगा। अब इन दोनों का ऐड कर दें तो ये वाई जो आ रहा है आपका वो आ रहा है वन और वन वन, जीरो वन वन, जीरो वन वन और जीरो जीरो जीरो। आप देख पा रहे हैं जो वाई वाला लाइन है वो वाई वाली लाइन ठीक इसके इक्वल है, किसके, ए डॉट बी का बार, यानी कि इसके इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाई है यानी कि ए प्लस बी का जो बार है, ए डॉट बी का बार, वो किसके इक्वल है, ए डॉट बी बार के, तो इसलिए इसका आंसर डी सही है। तो चाहे तो आप इस प्रकार से करें, बस आपको इसमें यहाँ पर डी मॉर्गन अप्लाई किया पहले हमने, फिर यहाँ पर ये हमें आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक रूल है, इस रूल की जगह हम एयर लिखेंगे और ये बचेगा बी, और वापस में क्या आएगा, ये डी मॉर्गन को फिर क्लोज किया तो ए डॉट बी का बार। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सिंबल रिप्रेजेंट्स, इसमें कहा है कि इसमें ये सिंबल किसे रिप्रेजेंट करता है, उसने कहा पीएन जंक्शन डायोड को, जेनर डायोड को। देखो पीएन का सिंबल आप आसानी से जानते हो, अगर मैं सिंपल बताऊं तो पीएन जो जो डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड, वो सिंबल ये होता है, ट्वेल्थ में ही पढ़ते हैं। जेनर डायोड भी अगर मैं बनाऊं तो जेनर डायोड हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है यहाँ, और इसमें हमारा एस बना हुआ होता है तो ये जेनर डायोड होता है। वैरेक्टर डायोड या टनल डायोड में से कोई एक है। अब ये वैरेक्टर डायोड है या टनल डायोड है, वैरेक्टर डायोड में जो होता है जो कैपेसिटर का कैपेसिटर के तौर पे वैरेक्टर डायोड को यूज करते हैं, इसे वैरी कैप डायोड या वोल्टा कैप डायोड भी कहते हैं, या टनल डायोड भी वैरेक्टर डायोड को कहते हैं। अगर हम वैरेक्टर डायोड की बात करें, वैरी कैप भी बोलता हूं इसे, वैरी कैप, तो वैरी कैप डायोड कुछ इस प्रकार से होगा ये, और इसके साथ यहाँ पर जो बना हुआ होता था वो एक कैपेसिटर बना होता था, वो कैपेसिटर इस प्रकार भी बना हो सकता है, वो कैपेसिटर इस प्रकार भी बना हो सकता है, ये सब वैरेक्टर ही है इस प्रकार से, और वो ये जो कैपेसिटर इसके साथ लगा हुआ होता है वो इस प्रकार से भी लगा हो सकता है, ये परिवर्ती चेंज होने वाला कुछ इस प्रकार से। तो ये सब क्या है, हमारे वैरेक्टर डायोड है, और इसे मैंने अभी बताया वैरी कैप डायोड या वोल्टा कैप डायोड भी बोलते हैं, और टनलिंग डायोड भी इसे हम कहते हैं, टनलिंग डायोड, ट्यूनिंग डायोड भी बोलते हैं। और ये जो डायोड है ये सब, ये भी रिवर्स बायस में काम करता है, और ये भी रिवर्स बायस में काम करते हैं, ये भी रिवर्स बायस में काम करता है, और ये जो है ना वोल्टेज डिपेंडेंट है, वोल्टेज डिपेंडेंट डायोड होते हैं, तो इसका मतलब वैरेक्टर डायोड भी नहीं है, तो बचता हमारे पास है टनलिंग डायोड। तो ये जो सिंबल है हमारा वो टनलिंग डायोड का, जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था,
कि आप मतलब बहुत ज्यादा मतलब डिटेल नहीं पूछा गया था, केवल सिंबल ही पूछा गया है आपसे। टनलिंग जो डायोड होता है, इसाकी डायोड भी बोलते हैं इसे, टनलिंग डायोड को क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इसाकी। इसाकी इसाकी डायोड कहें, ये 1958 लियो इसाकी इनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था, लियो इसाकी द्वारा 1998 में। ये भी हैवली डोप्ड होता है, और इसमें क्या होता है, जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इसमें हाई डिक्रीज होता है। इसकी पूरी प्रोसेसिंग अगर समझाने बैठे हैं तो एक की बहुत लंबी है, कैसे वर्किंग है, क्या है, इसके यूज क्या है, वो सब चीजें हम देख सकते हैं। लेकिन वैसे इसका जो टनल डायोड है, टनल डायोड का जो यूज होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर में होता है और एम्पलीफायर में होता है। हाई फ्रिक्वेंसी यूज जो है इसका, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में और एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर्स में इसका यूज होता है। तो सभी के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश की है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो आपका मैथ्स है, मैथ्स आपका 49 नंबर का आएगा, और जो आपका फिजिक्स है वो 21 मार्क्स का आएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसमें से 21 क्वेश्चन यानी कि 21 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से थे। ये 2020 के पेपर को हमने सॉल्व किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इसे समझाने में कामयाब हुआ हूँ और इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। इसके बाद के जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं जो 2021 से पहले जो 2017 का पेपर हुआ था उसमें फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे उनका सोल्यूशन लेके आऊंगा, और वो 2017 का ही, 2017 में पेपर हुआ था वो मेरा उसी के द्वारा सिलेक्शन हुआ था, तो उसके क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगली वीडियो बनाने के लिए जरूर कहें, क्योंकि अगर इससे आपको फायदा हो रहा है तो ही मेरा वीडियो बनाने का लाभ है, अन्यथा की स्थिति में कोई लाभ नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो लाने की, तो तब तक के लिए धन्यवाद।